हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी क्या होता है, कितने टाइप का होता है और आईसी कैसे काम करता है, ठीक है। और ये आईसी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे और देखेंगे कि जो है आईसी का कहाँ यूज होता है और ये कैसे काम करता है और कौन कौन से सर्किट में जो है ये लगा होता है, ठीक है। तो इसके पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, तो आप ये वीडियो जो है शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आईसी के बारे में और समझते हैं कि आईसी होता क्या है। तो आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के आप देख सकते हैं आईसी, जो आप ये टू साइड आईसी हो गया, ये बॉल आईसी हो गया, ये अलग अलग टाइप के आईसी है। तो आईसी जो होता है ये बेसिकली होता क्या है, तो ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये छोटी आकार का होता है, कंडक्टर चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर को मिलाकर एक सर्किट तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका नाम मतलब फुल फॉर्म जो होता है आईसी का, जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो हजारों लाखों ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर से मिलकर जो है एक आईसी बना होता है, जो देखने में छोटे आकार का होता है और उसका वजन भी कम होता है, मगर ये जो है इसके अंदर ये हर एक टाइप का काम कर सकता है, ठीक है। और ये जो है आईसी में प्रयोग किए गए कंपोनेंट जो होते हैं बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, चाहे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर जो है, ये कोई भी कंपोनेंट आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा, मगर ये इस आईसी के अंदर जो है इंटरनली होते हैं, वे सेमीकंडक्टर चिप में ही बने होते हैं। मतलब ये जो सेमीकंडक्टर जो चिप है इसी के अंदर इंटरनली जो है लाखों लाखों हजारों ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, मॉस्फेट से मिलकर जो है एक आईसी तैयार होता है, बनता है, ठीक है। और आईसी जो है, आईसी के अंदर अगर बात करें तो कैपेसिटर की बात करें तो 30 मतलब 30 पिको फराइड की मैक्सिमम कैपेसिटी के जो है इसमें कैपेसिटर आईसी के अंदर लगा होता है, ठीक है। और आईसी के अंदर कभी भी ट्रांसफार्मर और क्वाइल नहीं होता है, ठीक है। आईसी के अंदर ट्रांसफार्मर और क्वाइल नहीं मिला होता है, कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, उसके बाद से अगर ट्रांजिस्टर, मॉस्फेट, ये सब कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आईसी जो है अगर उसकी बात करें टाइप की, तो उसके बनावट के अकॉर्डिंग जो है आईसी नॉर्मली जो है आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि सिप आईसी हो गया, डीप आईसी हो गया, क्वाइड आईसी हो गया, पीजीआई हो गया, बीजीआई हो गया, पीएलसीसी हो गया, एलसीसी। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे और देखते हैं कि ये आईसी जो है ये कहाँ यूज होता है और ये कैसे दिखता है। तो पहले अगर बात करते हैं सिप, तो सिंगल इन लाइन पिन पैकेज, उसके बाद से डीप ड्यूल इन लाइन पिन पैकेज, क्वाइड क्वायर कोड पिन पैकेज, उसके बाद पीजीए पिन ग्रेड एरे, और उसके बाद से बॉल ग्रेड एरे, उसके बाद से पीएलसीसी प्लास्टिक लोडेड चिप कैरियर, और एलसीसी लोडेड लोडेड बोल सकते हैं या लीडलेस चिप कैरियर भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में, एक एक आईसी के बारे में, कि आईसी जो है वो कैसे दिखने में लगता है, मतलब कैसे दिखता है और इसका यूज जो होता है वो किस लिए होता है। तो आईसी का जो बेसिकली जो यूज होता है वो किसी भी टाइप के सर्किट के अंदर जो है एम्पलीफिकेशन, मॉडुलेशन, ठीक है, मॉडुलेशन, ये सब काम करने के लिए जो है, टाइमिंग के लिए जो है, टाइमर के लिए हो गया, कैलकुलेटिंग के लिए हो गया, ये हर एक टाइप का आईसी जो है काम कर सकता है, जिसके अकॉर्डिंग इसकी डिजाइन की जाती है, ठीक है। तो ये सब काम कर सकता है। और एक और बात कि आईसी जो है ना मिनिमम 3 पिन से लेके 500 या उससे ज़्यादा पिन का भी हो सकता है, तो इसीलिए आईसी की जो है नॉर्मली कोई टेस्टिंग नहीं होती है, मगर मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है कि नॉर्मली आप आईसी को 100% नहीं मगर 90% आप कंफर्म कर सकते हैं कि आईसी के जो है वो टेस्टिंग क्या है और कैसे कंफर्म करेंगे। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आईसी की अगर बात करें तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप सिप आईसी एंड डीप आईसी। तो सिप मतलब जो है आप देख सकते हैं एक साइड जो है, एक साइड जिसके पिन होते हैं वो सिप आईसी होता है, सिंगल इनलाइन पिन पैकेज। इस टाइप के जो है आपने देखा होगा रेडियो, टीवी, मॉनिटर जो है, पुराने टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उस टाइप, उसमें जो है आपके सिप टाइप के जो है चिप लगे होते थे, ये जो है सिप टाइप के जिसमें जो है एक साइड पिन होता है,
उसके बाद से डीप की बात करें तो ड्यूल इनलाइन पिन पैकेज, जिसमें आपको दोनों साइड पिन दिख सकता है। जैसे आप देख सकते हैं ये टू साइड पिन आईसी होता है, जो आजकल के भी सर्किट और पुराने सर्किट में ये इसका यूज होता था और अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के जो है सर्किट, मतलब जो आईसी होता है, इसको डीप आईसी बोलते हैं। उसके बाद से अगर बात करें क्वाड आईसी, तो क्वाड आईसी मतलब ये चारों साइड से सेम इसका पिन होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड में ये अलग अलग टाइप के, इस टाइप के आईसी जो है चारों साइड से सेम पिन होता है, तो इसको क्वाड आईसी के नाम से जानते हैं। उसके बाद से बात करें तो पीजीए एंड बीजीए, पीजीए मतलब पिन ग्रिड एरे और बीजीए बोल ग्रिड एरे, इसका फुल फॉर्म होता है। पीजीए जो होता है आप देखेंगे प्रोसेसर, प्रोसेसर आप अगर बात करें तो P1, P2, P3, P4 ये जो अलग अलग टाइप के प्रोसेसर आपने देखा होगा, तो उसमें जो प्रोसेसर जो होता है पीजीए, वो आपने देखा होगा कि इस टाइप के उसके अंदर जो प्रोसेसर के जो पिन होते हैं वो दिखाई देते हैं। ये प्रोसेसर ही एक तरह का, तो इसमें ये अलग अलग टाइप के पिन दिखाई देते हैं, तो ये एक तरह का पीजीए होता है। और बीजीए की बात करें तो आपने देखा होगा बोर्ड के अंदर बहुत सारे, चाहे मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज जो आईसी होती है, मतलब जिसको जिसका पिन बाहर से नहीं दिखाई देता है ना, वो जो होता है वो एक तरह का बॉल आईसी होता है, बॉल चिप बोलते हैं उसको या आईसी बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉल ग्रिड एरे होता है, जिसमें आप देख सकते हैं अंदर से ये बॉल दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे भी देख सकते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पे अलग अलग मतलब डॉट बॉल बने हुए हैं। तो ये जो है बीजीए के कैटेगरी में आता है, जिसमें नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज हो गया, ग्राफिक चिप हो गया, ये अलग अलग चिप जो है आजकल जो है ज़्यादातर यही मोबाइल के अंदर भी ये चिप आ रहा है, ठीक है। तो बीजीए चिप जो है आजकल ज़्यादा पॉपुलर चिप है और ये आपको मार्केट में ज़्यादा मतलब बोर्ड के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम पीएलसीसी एंड एलसीसी, पीएलसीसी मतलब प्लास्टिक लोडेड चिप कैरियर और एलसीसी मतलब लोडेड चिप कैरियर या लीडलेस चिप कैरियर बोल सकते हैं। मतलब जो प्लास्टिक लोडेड चिप कैरियर मतलब वो आईसी जिसमें जो है बाहर से आप देखेंगे कि प्लास्टिक से वो क्या होता है, पैक होता है, लोडेड होता है, तो उसको बोलते हैं हम पीएलसीसी। मतलब उसको हम नहीं बोलते हैं, मतलब ये टाइप है तो ये पीएलसीसी, उसको प्लास्टिक लोडेड चिप कैरियर बोला जाता है। जैसे इस टाइप के सॉकेट दे सकते हैं या इस टाइप के जो भी सॉकेट, प्लास्टिक सॉकेट के अंदर जो भी आईसी होगा उस आईसी को आप क्या बोलेंगे या उसको क्या बोलते हैं, पीएलसीसी बोलते हैं। उसके बाद से एलसीसी की बात करें तो ये लोडेड चिप कैरियर होता है और आजकल के जितने भी लेटेस्ट आप देखेंगे आईसी जो होता है उसमें आपको बाहर से पिन दिखाई नहीं देता है, तो पिनलेस ये जो है चिप कैरियर होता है, जिसमें आपको अगर इसको आप निकालेंगे बोर्ड से बाहर तो उसके अंदर आप देखेंगे कि अंदर से पिन आपको दिखाई देगा, बाहर से पिन बहुत ही हल्का हल्का सा आपको दिखाई देगा जैसे आप देख सकते हैं, मगर अंदर जो है इसका पिन अंदर होता है, तो इसको लीडलेस पिन चिप कैरियर बोलते हैं या लोडेड चिप कैरियर के नाम से भी इसको जानते हैं। रही बात कि आईसी जो है वो कैसे काम करता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो आईसी की अगर हम बात करें तो कोई भी एक आईसी हो उसके अंदर जो है कुछ रिक्वायरमेंट होता है, उसके अंदर कुछ फैक्टर होते हैं, फैक्टर कॉमन फैक्टर होते हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं होगा तो आईसी किसी काम का नहीं होगा। तो आईसी को एक ऑन होने के लिए, मतलब आईसी को काम करने के लिए कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं आप देख सकते हैं, कोई भी आईसी हो उसमें चार जो इम्पोर्टेंट जो है वो पिन होना ही चाहिए और होता ही है, जिसमें आप अगर बात करें तो पावर सप्लाई का पिन, मतलब कोई भी आईसी हो उसके अंदर जो है पावर सप्लाई का एक पिन जरूर होगा, उसके बाद से इनपुट सिग्नल का पिन होगा, उसके बाद से आउटपुट सिग्नल का पिन होगा, मतलब आउटपुट पिन होगा, उसके बाद से कंट्रोल सिग्नल का पिन होगा और ग्राउंड का पिन होगा। मतलब ये पांच पिन जो है कंपलसरी होगा ही होगा। अगर थ्री पिन का आईसी है उसमें जो है आपको तीन पिन मिलेगा, जिसमें एक कंट्रोलिंग का, एक इनपुट का और एक आउटपुट का पिन मिलेगा, या ऐसे भी मिल सकता है एक इनपुट का, एक आउटपुट का, एक ग्राउंड मिल सकता है, मगर ये आप किसी भी अगर चार पिन या उससे ज़्यादा पिन की अगर बात करें आईसी देखेंगे तो उसमें आपको ये पांचों पिन जो है आपको होना ही चाहिए, मतलब ये अगर नहीं होगा तो आईसी वो काम ही नहीं करेगा बिल्कुल,
इनपुट मतलब पिन, इनपुट मतलब पावर सप्लाई के पिन होना चाहिए जिसपे इनपुट सप्लाई आएगा, उसको आने के बाद जो है इसकी कंट्रोलिंग होगी, इनपुट सिग्नल आएगा, सिग्नल का पिन अलग होता है, प्लस इसकी प्रोसेसिंग, ये किस लिए काम, मतलब ये इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद से ये आउटपुट में जो है ये सिग्नल या जो भी फ्रिक्वेंसी है जो भी जिसके लिए बना हुआ है या जिसके लिए सर्किट में लगाया गया वो आउटपुट परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए उसका पिन होना चाहिए प्लस एक ग्राउंड पिन होना चाहिए। तो किसी भी आईसी के अगर सर्किट में लगा हुआ है तो ये मिनिमम मतलब 3-4 पिन तो होना ही चाहिए किसी भी आईसी को काम करने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि आईसी कितने टाइप का होता है और ये कहाँ यूज होता है और इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, ठीक है, और कितने मिनिमम पिन का होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से नया नया वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।